हेलो एवरीवन, तो आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज कुछ ऐसे बात पर हम डिस्कस करने वाले हैं जिस बात के लिए आप बहुत ही सब्र से इंतज़ार कर रहे होंगे। आप YouTube पर हज़ारों वीडियो देख रहे होंगे PCMB वाले के लिए और हज़ारों वीडियो देख रहे होंगे PCB वाले के लिए, लेकिन अभी तक कोई व्यक्ति का वीडियो नहीं देख रहे हैं PCM वाले के लिए। तो आज हम जो वीडियो लाए हैं केवल PCM वाले के लिए, और PCB वाले MB वाले देख रहे हैं उनके लिए भी खास वीडियो है। कैसे खास वीडियो है तो आप देख सकते हैं। आज जिस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं तो वह टॉपिक है सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो यह जो चार कोर्स है, चार टॉप कोर्स है इंजीनियरिंग क्षेत्र का, तो इस कोर्स पर हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें और सारी भी बात डिस्कस करेंगे, जैसे में आप कॉलेज के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद में आपका हो गया रैंक के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद में कट ऑफ के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद में सीट के बारे में डिस्कस करेंगे, और लास्ट में हम यहाँ पर एक और बात डिस्कस करने जाएंगे कि VCECE काउंसलिंग डेट कब आएगी। उससे पहले कि आप कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कीजिएगा, उसका हम आंसर देंगे। लेकिन अभी जिस बात पर हम डिस्कस करने वाले हैं उस बात पर अच्छे से डिस्कस करते हैं। तो चलिए, अगर रैंक इसके अंदर होगा तो एडमिशन पक्का है कि मिल जाएगा। तो चलिए, सिविल इंजीनियरिंग हो गया वो सब, और कोर्स जो हम कॉलेज है इंजीनियरिंग का लगभग 45 कॉलेज है, तो अगर 45 कॉलेज पर हम डिस्कस करें तो मेरा वीडियो लगभग 1.5-2 घंटे की हो जाएगी। इसलिए तो देखिए, आपका रैंक 10,000 भी होगा तो आपको इंजीनियरिंग कॉलेज मिल जाएगा, लेकिन हम टॉप 10 कॉलेज पर हम डिस्कस करेंगे, यानी कि 10 कॉलेज जो पुराना कॉलेज हो, जिसमें प्लेसमेंट हो, जिसमें हॉस्टल हो, जिसमें सारी कुछ की व्यवस्था हो, ऐसे कॉलेज के बारे में हम डिस्कस करेंगे जो आप बिहार में नंबर 1 कॉलेज माने जाते हैं, बिहार के टॉप 10 कॉलेज माने जाते हैं, जो गवर्नमेंट कॉलेज है उस पर हम डिस्कस करेंगे। इसलिए वीडियो खास है, और कोई भी डाउट बचता है तो आप कमेंट जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट वीडियो करते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं BCE भागलपुर जो सिविल इंजीनियरिंग कॉलेज है, उसमें हम डिस्कस करते हैं कुछ बात पर, देखेंगे इस कॉलेज में क्या कटअप जा रहा है, क्या क्या है। तो सबसे पहले सिविल इंजीनियरिंग पर डिस्कस करेंगे। सिविल इंजीनियरिंग में एक भी सीट नहीं बचता है। कैसे नहीं बचता है? अब कहेंगे सर आप तो डिस्कस करने आए सिविल इंजीनियरिंग, यहाँ पर सीट ही नहीं है। हाँ सही बोले, सीट नहीं बचता है। कैसे नहीं बचता है? तो BCECE दिल्ली के द्वारा यहाँ पर लोग काउंसलिंग करा लेते हैं, बच्चे सब काउंसलिंग करा लेते हैं और यहाँ पर सीट बचता ही नहीं है। जैसे में आप डिस्कस करते हैं UGAC जिसके थ्रू भी यहाँ पर बच्चे काउंसलिंग करा लेते हैं, जेई मेंस वाले जितने भी स्टूडेंट होते हैं जिसको बिहार से बाहर कॉलेज नहीं मिलता है वो सब काउंसलिंग यहाँ पर करा लेते हैं। तो इसलिए यहाँ पर सिविल का सीट नहीं बचता है। अब सिविल का सीट नहीं बचता है, अगर बाय द वे बच भी जाए तो यू आर रैंक में आपका कैटेगरी ऑल कैटेगरी रैंक आ जाता है, क्योंकि हर कैटेगरी का यू आर रैंक होता है। तो यू आर से हम बता रहे हैं, यू आर अगर 10 हो तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा, अगर सीट बचा तो, नहीं हो तो बात की बात है। हम जो भी अभी ये बता रहे हैं वह एक अनुमानी वीडियो है, अनुमानी वीडियो यानी कि हम अपने अनुमान से बता रहे हैं, हमने 3-4 साल के जो होता है कि देखकर सीट बता रहे हैं, सीट बचता है कि नहीं बचता है, कितना एट्रैक्टेड रहते हैं बच्चे जाने के लिए, इसके अनुसार बता रहे हैं। चलिए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का 2 सीट बचता है, लगभग 2 बच जाएगा, इस बार भी बचेगा मेरे अनुसार, तो 2 सीट बचेगा, 2 सीट बचेगा तो उसमें रैंक कितना जाना चाहिए? तो 40 जाना चाहिए, यू आर रैंक 40 होना चाहिए। कंप्यूटर साइंस में 0 सीट नहीं बचता है। हाँ, 2 सीट बहुत कम ही पड़ जाती है, अगर अच्छा कॉलेज में बिहार में जाना चाहते हैं तो VCECE के थ्रू नहीं जा पाएंगे। कौन कौन से कोर्स में? तो कंप्यूटर साइंस में हो गया, सिविल इंजीनियरिंग में, यह 2 कोर्स में सीट नहीं बचती है अधिकांशतः, और कहीं कहीं बच जाती है, जैसे मैं आगे हम कुछ कॉलेज बताएंगे जहाँ पर बहुत ज़्यादा सीट बचती है। चलिए, तो कंप्यूटर साइंस का यहाँ भी सीट नहीं है, अगर बच भी दिया तो 15 से यू आर रैंक से कम होना चाहिए। फिर मैकेनिकल में हर कॉलेज में सीट बच जाती है, जिससे आप वहाँ जा सकते हैं। मैकेनिकल में इसमें 6 सीट बचती है, 55 यू आर कट ऑफ तक जाएगा। अदर सीट 1-3 सीट बचेगी, जिसमें 65 रैंक तक जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट कॉलेज पर। चलिए नेक्स्ट कॉलेज आता है MIT मुजफ्फरपुर, बहुत फेमस कॉलेज है MIT मुजफ्फरपुर। MIT मुजफ्फरपुर में सिविल का सीट नहीं बचता है, उसके बाद में आपको कंप्यूटर साइंस का भी सीट नहीं बचता है, बचता है तो मैकेनिकल और यहाँ पर इलेक्ट्रिकल का और लेथर का। तो मैकेनिकल का कितना? 6 सीट बचेगा, इलेक्ट्रिकल का 17 और लेथर का 20, इसके अप्रॉक्सीमेट बचेगा, हम जो बता रहे हैं एवरेज बता रहे हैं। और रैंक कितना जाएगा? तो अगर सिविल का बच जाता है सीट तो 55 तक जाएगा, अगर मैकेनिकल में है तो 80 तक जाएगा, इलेक्ट्रिकल में 125 तक जाएगा, और 288 तक जाता है लेथर टेक का। तो आप देख सकते हैं, और इसके अनुसार काउंसलिंग करते हैं तो 100% नहीं, 110% चांस है कि आपको कॉलेज मिल जाए। तो ये सारी बात को ध्यान में रखें, और वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए,
क्योंकि हर अपडेट मिलने वाला है यहाँ पर। अगर न्यू स्टूडेंट है जो टेंथ ट्वेल्थ में पढ़ रहे हैं उस बच्चे का भी यहाँ पर ज्वाइन कर दें, क्योंकि उन्हें भी अपडेट अब मिलेगा कि कब से फॉर्म भराने वाला है, कब जाकर रजिस्ट्रेशन होगा, काउंसलिंग होगा, यह सारा चीज़ अपडेट मिलेगा। हम इस बार से बहुत क्या है तो इस चीज़ पर वीडियो बना रहे हैं और एक एक पार्ट वाइज हमने खुद अध्ययन करके वीडियो बना रहे हैं, इसलिए खास है। चलिए नेक्स्ट MIT हो गया। नेक्स्ट कॉलेज देखेंगे DCE दरभंगा। अब DCE दरभंगा में बहुत सारी सीट बचते हैं, यहाँ पर आप BCEC के थ्रू भी जा सकते हैं। अब जाएंगे तो यहाँ पर सिविल का 5 सीट रहेगा, मैकेनिकल का 30 हो गया, इलेक्ट्रिकल का 28 हो गया, देख सकते हैं बहुत सीट बचता है। मैकेनिकल में यूआर 400 भी रैंक होगा तो जा सकते हैं, सिविल में 150 रैंक होगा तभी मिलेगा, उसके बाद में इलेक्ट्रिकल में 320 होगा तो जा सकते हैं, अदर 420 तक यहाँ पर काउंसलिंग होती है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट कॉलेज 5 नंबर में आता है BCE बख्तियारपुर। अब बख्तियारपुर कॉलेज के बारे में डिस्कस करेंगे तो यहाँ कंप्यूटर साइंस का सीट नहीं बचता है, उसके बाद में यहाँ पर सिविल का भी सीट नहीं बचता है, बचता है इलेक्ट्रिकल का। इलेक्ट्रिकल का 4 सीट होगा, इसमें रैंक जाएगा 150 तक। मैकेनिकल का 20 सीट होगा, 310 तक रैंक जाएगा, अदर का 6 बचेगा, इस यूआर रैंक 68 तक जाएगा। चलिए नेक्स्ट कॉलेज में हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट कॉलेज आता है KCE कटिहार। कटिहार में भी बहुत सारे सीट बच जाते हैं क्योंकि यहाँ पर भी बच्चे एडमिशन कम लेते हैं। अब देखेंगे यहाँ पर सिविल का सीट कितना है, सिविल का 4 सीट बचता है, 529 तक चल जाता है, और कंप्यूटर साइंस का सीट नहीं बचता है, मैकेनिकल का 30 बचता है, 800 तक रैंक तक जाता है, यूआर रैंक जाता है, देखिए यूआर बता रहे हैं। इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन का भी देख सकते हैं 15 सीट बचता है, 780 तक जाता है, तो यह सारे देख रहे हैं और इससे समझ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट्स करके दोस्तों में शेयर करेंगे। और PCM वाले के लिए इतना कॉलेज है जो पुराना कॉलेज है और अच्छा प्लेसमेंट देती है, और यहाँ पर एडमिशन लेने का मतलब आपको अच्छा से पढ़ाई भी होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।